अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो जो है वॉफल मेकर और वॉफल्स इन दोनों को लेकर है। तो मैंने देखा कि मैंने अब तक वॉफल का मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो सोचा कि मैं अपलोड कर लेती हूँ। तो संडे के मॉर्निंग हमारा लंच वॉफल्स था। तो ये वॉफल मेकर पावर एक्सेल है और इसके साथ साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन पेपर और रेसिपी बुक दो भी आते हैं। इंस्ट्रक्शन में जो है सब आपको कैसे यूज़ करना है उस बारे में मिल जाएगा। और रेसिपी बुक ये बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको वॉफल बैटर का भी रेसिपी मिल जाता है। और जो जैसे आपको वॉफल्स स्टफ्ड वाले बनाने हैं, ये एक्चुअली ये 7 इंच वाला है, डीप का है, तो ये स्टफ्ड वाले रेसिपीज आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे रेसिपीज मिल जाएंगे इस बुक से आपको। तो इसमें जो है मैंने जो वॉफल्स मैंने बनाया है बैटर, तो इसी में का जो फर्स्ट वाला है प्लेन बैटर रेसिपी वॉफल्स का, वही मैंने ट्राई किया है। तो क्या हुआ कि उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, तो डायरेक्ट वॉफल कुकिंग से स्टार्ट हो गया मेरा वीडियो। तो चलिए अभी मेरा वॉफल्स का देखते हैं। तो ये मैंने 3 वॉफल्स बनाए थे, एक ब्लूबेरी और एक था पोटैटो एंड चीज़ और तीसरा था कि प्लेन वॉफल्स, जो भी बचा हुआ बैटर था उसको डाल के मैंने एक वॉफल बना दिया, वही था लास्ट वाला। तो वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने ब्लूबेरी का वॉफल डाला है, तो ऐसे ही बस 2 स्कूप वॉफल बैटर डाला और फिर उसके ऊपर ब्लूबेरीज जैसे आपको जितना चाहिए उतना डालकर ऊपर से फिर से मैंने बैटर के साथ उसको कवर कर दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लूबेरी स्मैश हो गए हैं, तो वैसे ही होता है, वो थोड़ा कुक होने के बाद मशी हो जाता है। और यहाँ पर मैंने उसको क्लीन कर लिया ब्लूबेरी का कुक होने के बाद, तो थोड़ा ब्लूबेरी बाहर लिक्विड आ जाता है ना स्मैश होके, तो इसलिए थोड़ा पर्पलिश वाला निकला था। तो मैंने इसको क्लीन करने के बाद टिश्यू से फिर मैंने अभी इसमें पोटैटो का बनाया है, पोटैटो विद मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पर मैंने 3 स्कूप डाला, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो आप 2 स्कूप डालेंगे तो सही रहेगा इसको। तो यह पोटैटो फ्राई है, पोटैटो में मैंने कुछ नहीं, बस छोटे छोटे क्यूब्स काट करके थोड़ा गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर ये डाल के थोड़ा घी में मैंने रोस्ट कर लिया था। और उस पोटैटो को मैंने अंदर फिलिंग के टाइप मैंने डाल दिया। और इसके ऊपर आपको आपको जितने पोटैटो चाहिए वो हिसाब से, अगर आप कम पसंद करते तो आप वैसे रख लेना, मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाली हूँ इसमें पोटैटोस। और उसके ऊपर से आप, मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ डाला, अगर आपको मोज़रेला चीज़ नहीं चेडर होना है तो आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं। और चीज़ यहाँ पे मैंने देख सकते हो मैंने साइड्स में नहीं डाला, क्योंकि वो मेल्ट होने के बाद साइड में पूरा एकदम ब्राउन क्रस्ट आ जाएगा, जो खाने के लिए हार्ड हो जाता है ठंडा होने में थोड़ा, तो इसलिए मैं थोड़ा सेंटर में ही मैंने फोकस किया है चीज़ को, साइड्स में मैं अवॉइड की हूँ डालने का, तो मेरा प्रेफरेंस था। तो ऊपर अब मैं इसको हल्का से बैटर से कवर कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ऑलरेडी फुल हो गया, तो मुझे 3 के बदले में 2 स्कूप डालना था बैटर, शायद तब सही होता था, क्योंकि पोटैटो और चीज़ थोड़ा ज़्यादा ही हो गया उसमें। अभी ये जो है ऊपर का साइड है रेड और ग्रीन लाइट, और यहाँ पर मैंने वॉफल को क्लोज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया मैं आपको बताती हूँ, तो मैंने लॉक नहीं डाला, बस इसको ऊपर से मैंने क्लोज़ कर दिया, लॉक नहीं डाला। अब इसको हम टर्न कर लेंगे ताकि दूसरी साइड भी वो कुक हो जाए, और बैक साइड जो है सिर्फ आपको रेड लाइट ही रहेगा, रेड और ग्रीन नहीं रहेंगे। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं बैटर स्पिल हो गया मेरा। तो फर्स्ट जो ब्लूबेरी का बैटर मैंने डाला था ना वॉफल, तो उसमें मैं लॉक की थी, तो लॉक करने में एक्स्ट्रा उसको स्पेस नहीं बसाया, तो उसे स्पिल हो गया, तो सेकेंड टाइम मैंने लॉक नहीं किया उसको। तो ये देख सकते हैं रिवर्स साइड है उसका, मैं बोली ना आपको ये चीज़ बाहर आ जाता है, तो ये चीज़ बहुत जल्दी थोड़ा ब्राउन होने लग गया है। वैसे दो वॉफल तो कुक हो गए, बस चीज़ थोड़ा जल्दी ब्राउन हो गया। अभी मैं इसको कट करके देखती हूँ, तो जैसे मुझे लगता है कि हाँ अभी ये सही कुक, तो आप उसको एक 5 to 7 मिनट्स रखना चाहिए आपको ईच साइड कुक होने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है वॉफल उसका, तो इसलिए आपको 5 से 7 मिनट तक रखना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर उसको छोड़ दिया था कुक होने के लिए 2 मिनट, क्योंकि मुझे थोड़ा सॉगी लग रहा था। तो अभी ये कुक हो गया है, तो अब हम इसको प्लेट को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अभी वो अच्छे से कुक हो गया था इस बार,
तो ये जो चीज़ का जो ऑपोजिट साइड था वो साइड आप देख रहे कितना अच्छा सा ब्राउन है, और देखिए और कितना स्ट्रेची स्ट्रिंग्स आ रहे हैं चीज़ के। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप थोड़ा और ज़्यादा भी चीज़ डाल ले सकते हैं। तो ये वो बैक साइड था जहाँ चीज़ थोड़ा ज़्यादा ही कुक हो गया था। तो ये बहुत ही टेस्ट में बहुत टेस्टी था, बहुत ही डिलीशियस था पटेटो और चीज़ का। और ये जो था लाइक बचा हुआ बैटर जो भी होता था मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया था। ये जो था बैटर थोड़ा लास्ट का होता है तो थोड़ा कम हो जाता है ना लाइक क्वांटिटी में, तो इसको मैंने लॉक कर दिया था क्योंकि बैटर कम था और ऊपर से आप देख सकते हो ऊपर तक तो वो टच नहीं हो पाया, तो इसलिए पूरा उसका वो वाला वॉफल्स का डिज़ाइन नहीं आया। तो ये जो ये साइड था जो अच्छे से दिख रहा है, अपोजिट साइड उतना कुछ नहीं है बैटर कम होने की वजह से, तो वो कुछ नहीं, वो चीज़ का जो ब्राउन रहता है ना चीज़ मेल्ट होके वो उसको लग गया था और कुछ नहीं। तो ये वॉफल जो है ये अच्छे से कुक हो गया था और थोड़ा जल्दी ही बन गया, 3-4 मिनट में बन गया था ये। ये वॉफल जो है लाइक इतना थिक इतना डेंस होता है कि आप एक या दो ट्रायंगल हाफ ले लोगे ना तो वही लाइक बहुत फुल हो जाता है। वॉफल्स बच्चों के बहुत फेवरेट हैं, आप इसको वीकेंड्स के ब्रेकफास्ट या बच्चों के लंच के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे मैंने ब्लूबेरी पे थोड़ा चॉकलेट सिरप मैंने डाल लिया था हर्शीज़ का, ताकि थोड़ा और टेस्टी हो जाए। बच्चों को लाइक चॉकलेट सिरप बहुत पसंद होता है ना, इसलिए मेरे बच्चों को बहुत पसंद था तो मैंने उनको ऐसे दिया था। तो ये पोटैटो मोज़रेला का भी आप ट्राई कर सकते हैं, मोज़रेला बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छा टेस्टी आया था। तो बच्चों के स्कूल रेसिपी स्कूल लंच के लिए या फिर वीकेंड ब्रेकफास्ट जो होता है लाइक बहुत जल्दी बन जाता है, तो टेंशन ही नहीं, बस अब बैटर फिल करके अब 5 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए रख दो तो बन के रेडी हो जाता है। तो बच्चे बच्चे होते तो कम ही खाते हैं, तो एक जो होता है एक आराम से 3 या 4 में डिवाइड हो जाता है बच्चों को। तो थैंक्स फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना है या तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक देना, और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।